हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स यूजिंग IS 800 2007 रिफरिंग सेक्शन 7 डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स। डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर के लिए फॉर्मूला जो यूज़ होने वाला है यहाँ पे दिया गया। द डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ PD ऑफ अ मेंबर इज गिवन बाई PD इज AE इंटू FCD, वेयर AE इज़ द इफेक्टिव सेक्शनल एरिया, FCD इज़ द डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑब्टेन एज पर 7.1.2.1 क्लॉज ये है। देखिए इसका FCD का फॉर्मूला है F5 by gamma m naught by phi plus phi square minus lambda square पावर 0.5। ये फॉर्मूले में गामा m naught तो कांस्टेंट 1.10 लेना है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। F5 है यील्ड स्ट्रेस, क्वेश्चन में गिवन रहता हो। फाई और लैमडा मालूम करने के लिए यहाँ नीचे ही फॉर्मूला है। फाई का फॉर्मूला है 0.5 1 प्लस अल्फा लैमडा माइनस 0.2 प्लस लैमडा स्क्वायर। और इसमें जो लैमडा अननोन है, लैमडा के लिए फॉर्मूला है √FYKL/R² / π² E। इसमें देखिए KL है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, R है रेडियस ऑफ गायरेशन मिनिमम, और E है यंग्स मॉडुलस। स्टील के लिए 2×10⁵ कांस्टेंट ले सकते हैं। और यहाँ पे जो अल्फा है, अल्फा ऑब्टेन करने के लिए टेबल नंबर 7 रेफर करना है। देखिए अल्फा रहेगा इम्परफेक्शन फैक्टर बेस्ड ऑन बकलिंग क्लास। बकलिंग क्लास का चेक करना रहता, प्रॉब्लम बताता हूँ मैं। अगर ए आया तो अल्फ़ा की वैल्यू ये लेना है, बी आया तो अल्फ़ा की वैल्यू ये लेना है, वैसे सी और डी के लिए भी है। तो ये फॉर्म लेके डिस्क्रिप्शंस हो गए पूरे। अब यहाँ से FCD और ए आ गया बाद, एरिया तो स्टील टेबल से लेना है। FCD फाइंड आउट करने के बाद फॉर्मूले से A into FCD सब्स्टिट्यूट कर दिया तो PD आ जाता है, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो डिज़ाइन के प्रॉब्लम में चेक क्या रहेगा, P shall be less than PD। यहाँ पे P है अप्लाइड लोड ऑन कॉलम, जो क्वेश्चन में गिवन रहता है। अगर अप्लाइड लोड ऑन कॉलम लेस देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम PD है तो ये सेफ रहेगा, सेफ डिज़ाइन है। तो इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता हूँ मैं, डिज़ाइन ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम सेलेक्ट करा, देखिए डिज़ाइन ए सिंगल आई सेक्शन कंप्रेशन मेंबर ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ 3.5 meters। द कॉलम इज हेल्ड इन पोजिशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ द एंड्स। इफ़ इट कैरीज ए फैक्टर्ड लोड ऑफ 600 kN, अडॉप्ट FE410 ग्रेड स्टील, यूज लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है देखिए, आई सेक्शन डिज़ाइन करने का है फॉर कंप्रेशन मेंबर, और अनसपोर्टेड लेंथ दिया हुआ है। अनसपोर्टेड लेंथ मतलब इफेक्टिव लेंथ नहीं है, ये ओवरऑल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है जो है 3.5 meters। अगर यहाँ पर डायरेक्टली अगर इफेक्टिव लेंथ दिया तो इसको डायरेक्टली KL लिख सकते हैं अपन 3.5 meters। अगर यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ नहीं रहने से इसलिए कंडीशन दिया हुआ है कॉलम का कि कॉलम हेल्ड है पोजीशन में और रिस्ट्रेंड है रोटेशन में बोथ द एंड्स के लिए। तो ये कंडीशन अपने को टेबल नंबर 11 IS 800 से रिफ़र करके कंडीशन जो है सेलेक्ट करने का है। तो यहाँ कंडीशन देखिए, L = 3.5 meters है, उसको MM में कन्वर्ट कर ले तो 3500 mm आ गया। एंड कंडीशन है बोथ एंड्स रिस्ट्रेंड अगेंस्ट पोजीशन एंड रोटेशन। इसको इफेक्टिव लेंथ को KL से डिनोट करते, इसका जो कंडीशन है वो 0.65 L आया फ्रॉम टेबल 11 ऑफ IS 800। यहाँ पे देखिए ये वन एंड का है, ये अदर एंड का है, ट्रांसलेशन रोटेशन दो भी रिस्ट्रेंड है ना, तो चारों भी रिस्ट्रेंड सेलेक्ट करना, तो 0.65 L है। तो इसके हिसाब से बोथ एंड फिक्स भी बोलते हैं इसको, तो इसके हिसाब से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो KL का आंसर आया 2275 mm। ये फर्स्ट हो गया, प्रॉब्लम का फर्स्ट सेंटेंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इफ़ इट कैरीज ए फैक्टर्ड लोड, यहाँ पर डायरेक्टली फैक्टर्ड लोड दिया हुआ है तो इसको P से डिनोट करिए फैक्टर्ड को 600 kN, और ग्रेड ऑफ स्टील दिया हुआ है FE410 के लिए ये दो वैल्यूज कांस्टेंट रहते FE410 ग्रेड के लिए। FY 250 Nm² रहता, और अगर इसमें FU कंसिडर करें तो 410 रहता, मगर ये टॉपिक में अपने को FU कंसिडर में नहीं आ रहा तो इसलिए नहीं लिखा मैं, इतने वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे डिज़ाइन प्रॉब्लम्स में FCD पहले एज्यूम करके प्रोसीड करना रहता अपने को, एक वैल्यू एज्यूम करते हैं अपन, आगे फिर चेक कर ले सकते हैं कि सही है नहीं है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ सिंगल एंगल के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 135 तक, इसमें एज्यूम कर लीजिए 110 Nm² एज्यूम करा। तो नेक्स्ट जैसा फॉर्मूला है रहता, लोड इक्वल स्ट्रेस इक्वल टू लोड बाई एरिया, वो फॉर्मूले से अगर एरिया को सब्जेक्ट बनाए अपन तो वो बन जाता लोड बाई स्ट्रेस। ये फॉर्मूला इसलिए ले रहे हैं अपन, यहाँ पे एरिया ऑफ कंप्रेशन मेंबर सेलेक्ट करके उससे थोड़ा बढ़ के अपन स्टील से रिफर करके सेलेक्ट करते हैं एक्चुअल कंप्रेशन मेंबर। तो यहाँ पे पहले एरिया ऑफ कंप्रेशन मेंबर मालूम करने के लिए स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है लोड बाई एरिया
उसके थ्रू लोड बाई स्ट्रेस करें तो अपने एरिया आता, अप्रॉक्सीमेट एरिया। तो क्वेश्चन में जो लोड दिया हुआ है ऑलरेडी फैक्टर्ड है वो, और किलोन्यूटन में है ना, इसलिए 10^3 ऐड करिए, डिवाइड बाई FCD अपन 110 एज्यूम करें। तो यहाँ पे एरिया आया 5454.54 mm². इसके बेस पे एक सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं अपन, FCD तो अज्यूम करें अपन, आगे मालूम हो जाता सही है नहीं है। इस पे बेस पे एक सेक्शन सेलेक्ट करें अगर, तो क्वेश्चन स्टील टेबल रिफ़र करा भाई, तो स्टील टेबल रिफ़र करें तो इसका 5454 से थोड़ा बढ़ के है 5626, ISMB 300 एट 442 Nm/m। ये सेलेक्ट इसलिए करना है, ये 5454 से बढ़ के है, बोलिए थोड़ा बढ़ के अगर 10% ऐसा इंक्रीज है तो उसको सेलेक्ट कर लो, आपका सेफ आ जाता। उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज़ लिख लो पूरे, एरिया है 5626 mm², थिकनेस ऑफ फ्लैंज, हाइट, आर मिनिमम, आर के दो वैल्यूज रहेंगे उसमें से मिनिमम ले लेना है, और ब्रेथ ऑफ फ्लैंज जो है 140 mm। देखिए स्टील टेबल अगर रिफ़र करें तो ISMB 300 का एरिया है 5626 cm² में है ये, उसको mm² में कन्वर्ट करिए तो 5626 आता है × 100। और ये है H, हाइट, हाइट ऑफ मेंबर, ब्रेथ ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ वेब है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया IXX IYY की रिक्वायर्ड नहीं अपने को, इसको मत लिखिए। और RXX की वैल्यू है 12.37 cm, 2.84 cm RYY, तो सेंटीमीटर में कंसीडर नहीं करना है, mm में कंसीडर करना है। दोनों को mm में कंसीडर कन्वर्ट करने के बाद मिनिमम सेलेक्ट करिए, तो मिनिमम है यहाँ पे 28.4 mm, तो मैं वही सेलेक्ट करा, आर मिनिमम 28.4 mm। अब सोल्यूशन में नेक्स्ट स्टेप है चेक फॉर बकलिंग क्लास एज पर टेबल 10 ऑफ IS 800। यहाँ पे देखिए टेबल 10 ऑफ IS 800, यहाँ पे बेस्ड ऑन सेक्शन अपने को चेक करने का रहता। तो अगर सी सेक्शन है, एल सेक्शन है, टी सेक्शन है तो ये चेक रहेगा, बिल्टअप सेक्शन है तो ये है चेक। अपना जो यहाँ पे सेक्शन है वो है सिंगल रोल आई सेक्शन है, तो इसके लिए चेक क्या है देखिए, फर्स्ट है H/BF शल बी ग्रेटर देन 1.2, हाइट बाई ब्रेथ ऑफ फ्लैंज का जो रेशियो रहता है 1.2 से बढ़ के आया तो इसका बकलिंग क्लास रहता ए। और सेकंड चेक है अगर थिकनेस ऑफ फ्लैंज लेस देन 40 mm है तो इसका बकलिंग क्लास रहता बी। तो H/BF ग्रेटर देन 1.2 है नहीं है चेक कर रहा हूँ मैं, H है यहाँ पे जो सेलेक्ट करे थे 300, बाई BF है 140, तो ये 2.14 आया 1.2 से बढ़ के है तो इसका बकलिंग क्लास ए है। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ फ्लैंज लेस देन 40 mm, थिकनेस ऑफ फ्लैंज 12.4 है जो सर सेक्शन सेलेक्ट करें अपन, उसका 12.4 है जो 40 mm से लेस है, तो दोनों भी चेक करेक्ट है, तो इसका बकलिंग क्लास ए है, इसका बकलिंग क्लास बी है। प्रॉब्लम में क्या कर सकते हैं अपन, बकलिंग क्लास ए भी रिफ़र करके FCD मालूम कर सकते हैं, बकलिंग क्लास बी रिफ़र करके भी FCD मालूम कर सकते हैं। दोनों में जो मिनिमम आता वो FCD बी मतलब बकलिंग क्लास बी का आता। फॉर एग्जांपल अगर अपने कहने ए और बी आया तो बी से प्रोसीड करो आप, बी का मिनिमम आता। बी या सी आया तो सी से प्रोसीड करो, सी का मिनिमम आता। वो हिसाब से कि बोलते तो ये अल्फ़ा के वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो ये लिए तो मिनिमम आती वैल्यू। इम्परफेक्शन फैक्टर भी लिख लेना है इसका, इम्परफेक्शन फैक्टर की वैल्यू टेबल 7 से लेने का है IS 800। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा ए की वैल्यू 0.21 है, अल्फ़ा बी की वैल्यू 0.34 है, उसको लिख लीजिए एक बार, 0.21 0.34। इम्परफेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद अल्फा की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप रहेगा सोल्यूशन में डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस FCD फाइंड आउट करना है एज पर सेक्शन 7 ऑफ IS 800। स्टार्टिंग में बताया था मैं IS 800 सेक्शन 7 का फॉर्मूला FCD का। अब ये फॉर्मूले में देखिए अननोन क्या क्या है, फाई तो FY तो मालूम है अपने को, FY की वैल्यू 250 Nm/m² है, गामा M0 भी कांस्टेंट रहता 1.10, फाई और लैम्डा अननोन है, तो यहाँ पे फाई और लैम्डा पहले फाइंड आउट करना पड़ता। फिर यहाँ पे फाई फाइंड आउट करने के लिए लैम्डा अननोन रहता, तो पहले उल्टा जाने का है ऐसा, इसमें पहले लैम्डा फाइंड आउट कर लेना फिर फाई फाइंड आउट करना फिर FCD आ जाता। तो लैम्डा में लैम्डा का जो फॉर्मूला है वो है √FY KL/R min² / π²E। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ मैं वैल्यूज, FY KL इफेक्टिव लेंथ कन्वर्ट करे बाद, और ये आर मिनिमम लिए थे अपन 28.4 mm स्टील टेबल से, √π²E, ई की वैल्यू कांस्टेंट रहती है स्टील के लिए 2×10^5, सब्स्टिट्यूट कर दिए तो लैम्डा की वैल्यू आई कैलसी में 0.90। सिमिलरली लैम्डा फाई में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फाई का फॉर्मूला है 0.5 1+α b लैम्डा -0.2 +λ² ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे अल्फा बी इसलिए कंसिडर कर रहे हैं मिनिमम आंसर आने के लिए, अल्फ़ा ऐसे भी चेक कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे RXX लेना, यहाँ पे अल्फ़ा ए लेना, यहाँ पे मैं डायरेक्ट अल्फ़ा बी से करूँ तो 0.5 1+α b, ये टेबल 7 से लिए से वैल्यू है। उसके बाद 0.90 -0.2 +0.90²
सब्सिट्यूट कर दीजिए कैल्सियम में, तो 5 का आंसर आया 1.024। अब ये दो वैल्यूज फिर फाइनल एफसीडी के फॉर्मूले में सब्सिट्यूट करना है। F5/γm0 5 + 5² - λ² / 0.5। एफसीडी का आंसर आया इसमें 150.26 न्यूटन पर स्क्वायर। कैल्सियम में सॉल्व कर लेना इसको। ये वैल्यू जो है ना F5/γm0 से कम रहने का है। यहाँ फिर देखिए चेक, दिस FCD शेल बी लेस देन F5/γm0। तो चेक कर लीजिए, F5 250 था, γm0 1.10 है, तो ये 227.27 आ रहा, लेस ही चाहिए, सेफ है मतलब FCD। उसके बाद डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइनल PD फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला था AE × FCD, एरिया 5626 जो सेक्शन सेलेक्ट करे अपन ISMB 300 × FCD आया 150.26। सब्स्टिट्यूट कर दिए तो इसका जो आंसर है 845 × 10³ न्यूटन आया। ये स्ट्रेंथ है ना, तो इसके यूनिट्स रहते हैं न्यूटन, इसको 10³ रिमूव कर दिए कि किलोन्यूटन बना सकते हैं। तो यहाँ पे चेक रहेगा लास्ट, P shall be less than PD, ये चेक करिए, P shall be less than PD। तो चेक करिए, P है अप्लाइड लोड जो 600 किलोन्यूटन दिया हुआ है, PD है स्ट्रेंथ, 600 लोड अप्लाइड है और 845 स्ट्रेंथ है, हेंस सेफ है ये। ISMB 300 कैन बी यूज एज कंप्रेशन मेंबर।